अभी तो खेलने की उम्र है तुम्हारी? नहीं। और क्या करने की उम्र है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है, पहले नाम बताओ मुझे। लवकुश। इतना अच्छा नाम। जय गंगे माता। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से मैं हरकी पौड़ी पहुंच चुका हूं और ये शाम का समय है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हरकी पौड़ी के शाम के समय जो दृश्य हैं वो दिखाने वाला हूं। और उससे पहले आप माँ गंगे के यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। माँ गंगे के यहाँ पर जलधारा आपको दिख रही होगी, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। और इस साइड आप देख सकते हैं माँ गंगे की जो बीच जलधारा में प्रतिमा है, आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और अभी चलेंगे जो हरकी पौड़ी के बाकी स्थान हैं उनको देखेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं, तो कोशिश करेंगे कि किसी श्रद्धालु से बात कर सकें और जो ताज़ा अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बॉर्डर से आने में, ट्रेन से आने में, बस से आने में जो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट है वो चेक की जा रही है। तो कोशिश करेंगे किसी श्रद्धालु से बात हो सके तो, ताकि आपको ताज़ा अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि शाम के जो दृश्य होते हैं हरकी पौड़ी के बहुत ही सुंदर होते हैं। तो चलते हैं और धीरे धीरे करके हरकी पौड़ी के सभी दृश्य को देखते हैं। तो दोस्तों मैं आज हरकी पौड़ी पहुंचा, तो यहाँ पर हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनसे बातें करेंगे और जानेंगे किस तरह यहाँ पर ये पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना नाम बता दीजिए। क्या नाम है आप लोगों का? श्रेया। श्रेया जी। आप लोग? रिया जी। मैं राहुल। राहुल। ईशान पवार। ईशान। 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 और आपका? सौरभ। तो दोस्तों ये पाँच लोग हैं जो दिल्ली से यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो इनसे जानेंगे कि कब आप लोग कब आए यहाँ पर? मैं यहाँ पे 3 दिन हो गए हैं। हम पहले डायरेक्ट दिल्ली से ऋषिकेश गए थे और 2 दिन वापस स्टे किया हमने, कैंपिंग वगैरह की। रास्ते में कहीं चेकिंग नहीं हुई? रास्ते में कहीं चेकिंग नहीं हुई। एक बार हुई थी ऋषिकेश से ऊपर जाते वक्त, कैंपिंग करते वक्त हमने बोल दिया था हम लोकल ही हैं, वैसे हम उत्तराखंड से ऊपर रहते दिल्ली में। तो आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा, आप लोग रिपोर्ट लेकर आए थे या नॉर्मली ऐसे ही आ गए थे? रिपोर्ट तो लेके आए थे हम। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग रिपोर्ट लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और ये देख सकते हैं पांच लोग हैं। और आप लोगों ने हरकी पौड़ी में स्नान किया? अभी तो हम मतलब ऋषिकेश से अभी अभी आए हैं। ऋषिकेश से अभी अभी आए हो? ऊपर गए थे, मनसा देवी मंदिर गए थे दर्शन करके, अभी नीचे आए। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो। बस अगर कोई बंदा मतलब आ रहा है बाहर से, आ रहा है दूसरे वहाँ से, आ रहा है राज्य से, आ रहा है कहीं से भी आ रहा है, तो यही है मतलब चेकिंग हो रही है और रिपोर्ट वगैरह चेक हो रही है जगह जगह, ठीक है। तो मतलब वही है यहाँ पर अगर आते हैं एक तो ये। आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर? हाँ हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा अच्छा। और आप श्रेया जी कौन है, आप बोलना चाहेंगे कुछ? मैं बस यही बोलना चाहूँगी, आपकी वीडियोस हम देखते थे मॉर्निंग पे, क्योंकि हमको पता नहीं था ना कि यहाँ क्या मतलब अपडेट क्या है। जी जी। हम आपकी वीडियो देखते थे कि अपडेट लेने के लिए, तभी इसलिए हम यहाँ पहुँचे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं और पूरी तरह से खुश हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हरकी पौड़ी पर आए हुए हैं और यहाँ पर आकर इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सबसे अच्छी बात है, ये रिपोर्ट लेकर आए हैं और इन्होंने मास्क भी लगाया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप सभी भी जब भी आएँ तो यहाँ पर मास्क और लगा कर रखें और उसके साथ साथ रिपोर्ट लेकर आएँ। थैंक यू सो मच भैया सभी को। ओके। अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
गोनी क्या होता है ये बता मुझे। नहीं पता। ये नहीं पता? अभी तो खेलने कूदने के दिन है तुम्हारे, पढ़ाई करने के दिन है? हैं? ये देखो इतना सारा तुमने उठा रखा है वजन अभी से, क्यों? अभी तो खेलने की उम्र है तुम्हारी। नहीं। और क्या करने की उम्र है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है पहले नाम बताओ मुझे। लवकुश। इतना अच्छा नाम, कहाँ रहते हो? भीमगोड़ा में। कितनी दूर आए हो भीमगोड़ा से? कितनी उम्र कितनी है आपकी? 5 साल उम्र है और इतना वजन लेके चल रहे हो अभी से? अभी तो खेलने कूदने के दिन है, आराम से खेलो। अरे मैं यही रहता हूँ बेटा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपके साथ और भी जो लोग हैं वो इन सुंदर दृश्यों को देख सकें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हर की पौड़ी के बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय आपको दिख रहे होंगे, और शाम के समय के जो दृश्य हैं कभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ऐसा लगता है कि जैसे कि स्वर्ग जैसी फीलिंग यहाँ पर आती है, और शाम के समय इस घाट को या हर की पौड़ी को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है बस यहीं पर बैठ जाओ और इन सुंदर दृश्यों को देखते रहो। और माँ गंगे की जलधारा को यहाँ पर देख सकते हैं, कितने अच्छे और निर्मल स्वच्छ जल आपको दिख रहा होगा। और ये मार्केट के दृश्य हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर करें, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।